हरदा जिले की हड़िया तहसील में पूरे सलीला मां नर्मदा का जन्मदिन मनाने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। इसके तहत ही सत्य कृपा शंकर सरस्वती ने बताया कि संतों के सानिध्य में 16 फरवरी को आयोजित होने वाले नर्मदा जयंती कार्यक्रम में सभी जिलों में आने वाले नर्मदा भक्तों के लिए भंडारे आयोजित होंगे, जिसके लिए नर्मदा के सड़कपुरा घाट और रिद्वेश्वर घाट पर नर्मदा जयंती पर्व मनाने को लेकर हरे मंडप का निर्माण किया गया है। हड़िया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट। माँ नर्मदा सभी प्राचीन पवित्र संस्थाओं में परम प्राचीन है और जो सात नदियाँ हैं गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी उन्हें माँ नर्मदा सबकी महिमा तो अपार रही है, विलक्षण ही है, क्योंकि माँ नर्मदा सब में अत्यंत अद्भुत उनकी महिमा है और अद्भुत उनकी लीला है और उनकी कृपा अत्यंत अवर्णनीय है। माँ नर्मदा तट में जो माघ शुद्ध सप्तमी आती है अभी 16 फरवरी को, इसमें माँ नर्मदा का हम जन्मोत्सव मनाएंगे और सभी भक्त लोग कोई घर में कोई घाट में किसी प्रकार भी दीपाचन द्वारा पूजन द्वारा आरती द्वारा भंडारे के द्वारा भजन के द्वारा अनेक प्रकार से भक्त अपना आनंद प्रकट करते हैं, क्योंकि माँ नर्मदा का नाम ही नर्मदा है, माने जो नर्म को सुख को देने वाली श्री माँ नर्मदा है और माँ की आरती में कहते हैं जय जगदानंदी, माँ आनंद को देने वाली है, इसलिए आनंद के द्वारा और आनंद की वृद्धि हो इस आनंद के लिए लोग आते हैं, आनंद चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए माँ का नाना प्रकार से पूजन करते हैं।